Exercise 11.2, question number 2. So here you are given two circles, concentric circles, one with radius 4 cm and the other with radius 6 cm. अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, ये मेरा 4 सेंटीमीटर वाला है सर्कल और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे अब किस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है विद रेडियस 4 सेंटीमीटर और कहां से करना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो मुझे इसके जो 6 सेंटीमीटर वाला कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक से हमने पता लग गया कि दोनों का सेंटर सेम है, तो अब वो 6 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से मतलब उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी पॉइंट लेके मुझे उस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, यानी कि रेडियस बड़े वाले सर्कल का मैंने ले लिया, ये आ गया। पॉइंट्स के नेम सेम दे रही हूं मैं जैसे मैंने वहां दिए थे, पी और ए। यानी कि अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या रिड्यूस हो गया, मुझे एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस सर्कल के ऊपर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। यानी कि अगर मैं इस वाले सर्कल की प्रेजेंस को इग्नोर करूं तो मेरा क्वेश्चन अब ये फर्स्ट वाले की तरह बन गया। मुझे सर्कल गिवन है विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, इस सर्कल के सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मुझे एक पॉइंट गिवन है, मुझे उस पॉइंट से क्या ड्रॉ करने हैं, इस वाले सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो सेम रिड्यूस्ड टू क्वेश्चन नंबर 1। द ओनली डिफरेंस इज दिस कि स्टेटमेंट थोड़ी सी उन्होंने चेंज करके दी थी कि हमें उन्होंने दिया सर्कल विद सेंटर ओ जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो हमने सर्कल विद सेंटर ओ बना लिया रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि इस सर्कल के जो सेंटर है सेम सेंटर के साथ एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया गया जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा वाला जो सर्कल है इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से फर्स्ट वाले सर्कल पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो जो मेरा फर्स्ट वाला सेकंड वाला ये सर्कल था इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो माय क्वेश्चन इज सिमिलर एज आई वाज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो सेम मेथड वी विल फॉलो। क्या स्टेप था, स्टेप नंबर 1 वाज आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट। Anyone of you can tell? Midpoint निकालेंगे मैम। हाँ जी, सबसे पहले आप क्या करोगे, ओ ए का मिड पॉइंट निकालोगे। तो ओ ए मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन है, अगेन जब आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे वो 3 सेंटीमीटर पे होगा तो सर्कल के अंदर आएगा। मैंने मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं तो मे बी मेरा बाहर भी आए, तो आप अकॉर्डिंगली ड्रॉ करोगे। तो ओ मोर देन हाफ खोला, ऊपर की तरफ आर्क लगाओ, नीचे की तरफ आर्क लगाओ, सेम कंपस खुला रहेगा, ए पे रखो ये आर्क लगा दो एंड सेम कंपस खुला रहेगा, ये नीचे की तरफ आर्क लगा दो। सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा मुझे, ज्वाइन करो दोनों को। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको अगेन मैंने नेम दे दिया M। ये P पॉइंट अलग है, P पॉइंट सर्कल छोटे वाले का रेडियस का एंड पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट M। तो O M जो है मेरे पास रेडियस आ गया अब जो सर्कल मुझे ड्रॉ करना है उसका। सो अब M पे कंपस रखो, O जितनी खोल लो और ये सर्कल ड्रॉ कर लो, दैट विल पास थ्रू ए। अगर वो ए से पास नहीं कर रहा तो इट मीन्स आपकी कहीं पे कोई मिस्टेक है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको ध्यान से करिएगा। सो ये अब सर्कल ड्रॉ हो गया। जो ओ से पास करेगा और इस गिवन आर्क को
सर्कल को कट करेगा, तो दिस विल पास थ्रू ए ऑल्सो. अब ये पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन का, ये पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन का, ये पॉइंट मुझे एक्सटीरियर पॉइंट ए गिवन है. तो ए को, इसको अगेन टी और एस ले लो, तो ए को टी से ज्वाइन करो और ए को एस से ज्वाइन करो. सो ए और टी हमने ज्वाइन कर दिए और इधर से ए और एस ज्वाइन कर दिए. सो ए टी एंड ए एस जो हैं आपके, दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट. सो सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन वाला मेथड था, सिर्फ डिफरेंस ये था आपका यहाँ पे कि आपको एक दूसरा सर्कल गिवन था और जो आपका फर्स्ट सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट था दैट वाज अ पॉइंट लाइंग ऑन द सेकंड सर्कल. तो अदरवाइज सेम मेथड था. पहले आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहा था गिवन लाइन ओ ए को, वहां से आपने रेडियस एम ओ खोला, सर्कल ड्रॉ किया जहां पे दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कौन से करेंगे, जिसपे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और जो आपने मिड पॉइंट से ड्रॉ किया है. तो इसके ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही थी, तो इसका और जो मिड पॉइंट वाला था उनका हमने क्या किया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था इनको हमने ले लिया T एंड S, और एक्सटीरियर पॉइंट को इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स से ज्वाइन किया. तो ए टी एंड ए एस आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स. जस्टिफिकेशन बिल्कुल सेम रहेगी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी. आपने क्या करना है, ज्वाइन ओ टी एंड ओ एस. अब एक आपका ये सेमी सर्कल में ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा आपका ये ट्राइंगल बन रहा है सेमी सर्कल में. तो ट्राइंगल एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री आ जाएंगे. बट ओ टी एंड ओ एस आर रेडियाई ऑफ द फर्स्ट सर्कल. ओ टी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद लाइन ए टी, इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. हेयर ऑल्सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि ओ एस इज परपेंडिकुलर टू ए एस, ओ टी इज परपेंडिकुलर टू ए टी. जब भी रेडियस किसी लाइन के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो दैट गिवन लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. तो इट मीन्स ए टी और ए एस क्या हो गए आपके, दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू द सर्कल. उसके बाद उसने क्या कहा, मेजर इट्स लेंथ. अब आपने क्या करना है, इनकी लेंथ को मेजर करना है. आपने ए टी और ए एस को मेजर करना है एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन. तो जो हम इसकी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं दैट इज द एक्चुअल कैलकुलेशन. तो हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया. इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू जस्टिफाई, देन ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस यू आर टू जस्टिफाई, क्योंकि बोर्ड में समटाइम्स मार्क्स कट जाते हैं उसके, नहीं भी मैंशन है देन ऑल्सो यू आर टू जस्टिफाई. तो आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछना कि जब पेपर में कंस्ट्रक्शन आई है कि मैम इसको जस्टिफाई करना है या नहीं करना, यू आर टू जस्टिफाई दैट. आपने उसको हमेशा जस्टिफाई करना ही करना है. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर टू. सो इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज टाइम ओवर है, 1 minute इज लेफ्ट, वी वॉन्ट बी एबल टू डू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट वी विल डू टुमारो. If any doubt is there, you can unmute yourself. You are having the option to unmute and you can ask your doubt.